हेलो क्लास 11, प्रोसेस मैनेजमेंट आज हमें देखना है। तो प्रोसेस मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि किसी भी प्रोसेस को कैसे मैनेज किया जाता है। कोई भी प्रोसेस जो आपकी रनिंग में है या सीपीयू का अटेंशन अगर किसी प्रोसेस को मिल गया है तो किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूशन कराने का तरीका क्या होता है वो हम देखेंगे। व्हेन अ प्रोग्राम नीड्स टू बी एग्जीक्यूटेड इट अप्रोचेस ऑपरेटिंग सिस्टम द प्रोसेस शेड्यूलर। प्रोसेस शेड्यूलर क्या होता है कि किसी भी प्रोसेस को शेड्यूल करता है। प्रोसेस शेड्यूल मैनेजमेंट तो हमें आगे देखना ही है कि शेड्यूलर्स क्या क्या होते हैं, जैसे राउंड रोबिन है, शॉर्टेज जॉब नेक्स्ट है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, तो ये सभी प्रोसेसेस होती है। सो ऑपरेटिंग सिस्टम लोड्स इनटू द मेमोरी एंड इट बिकम्स अ प्रोसेस विच इज एग्जीक्यूटेड एज पर इट्स इंस्ट्रक्शन एज सुन एज द प्रोसेसर ऑफ द सीपीयू इज असाइन टू इट। जैसे इसको सीपीयू का अटेंशन मिल जाता है किसी प्रोसेस को तो उसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा, उसको शेड्यूलिंग कैसे किया जाएगा। द प्रोसेस इज गिवन सम मेमरी विद दिस सेक्शन फॉर इट्स प्रॉपर एग्जीक्यूशन। कुछ मेमरी का किसी प्रोसेस के लिए पर्टिकुलर मेमरी एरिया दिया जाता है। जैसे ये देखिए मेमरी डायग्राम यहाँ पर है कि किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम का कोड जो है उसी एड्रेस से स्टार्ट होता है, वहाँ पर प्रोग्राम कोड स्टोर्ड होता है। फिर जो प्रोग्राम्स के अंदर कोड के अंदर आपके जो ग्लोबल वेरिएबल्स है या फिर कुछ लोकल वेरिएबल्स है तो उनके लिए कहाँ पे मेमोरी एलोकेशन होगा। फिर प्रोग्राम के कॉल्स है, फंक्शन कॉल्स है या रिटर्न स्टेटमेंट, उनके लिए एक मेमोरी अलॉट की जाती है। तो उस तरीके से हमको यहाँ पे देखना है मेमोरी में। यहाँ पे देख रहे हैं स्टैक, हीप, ग्लोबल वेरिएबल्स के लिए और ये प्रोग्राम कोड्स करके। वंस रीजन इन द मेमोरी होल्ड्स द कंपाइल्ड कोड ऑफ द प्रोग्राम। जो भी एक कंपाइल्ड कोड होता है आपके प्रोग्राम के लिए एक एक मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होता है। एवरी इंस्ट्रक्शन एंड एवरी फंक्शन ऑफ द प्रोग्राम स्टार्ट एट अ पर्टिकुलर एड्रेस। तो हर एक इंस्ट्रक्शन जो हर एक प्रोग्राम के एक एक स्टेटमेंट है वो एक पर्टिकुलर एड्रेस से आपके एग्जीक्यूट होने स्टार्ट होते हैं। द नेक्स्ट रीजन इन द मेमोरी एरिया वेयर द ग्लोबल वेरिएबल्स ऑफ द प्रोग्राम आर स्टोर्ड। यहाँ पे ग्लोबल, अब आप बोलोगे कि ग्लोबल क्या है, तो जैसे हम कोडिंग स्टार्ट करेंगे तभी आपको पता लगेगा कि ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है। ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, थ्रू आउट प्रोग्राम आपके एग्जिस्ट रहते हैं वो पूरे प्रोग्राम के थ्रू जब तक उसका एग्जीक्यूशन होते रहता है। ग्लोबल वेरिएबल ऑफ द प्रोग्राम आर स्टोर्ड। ग्लोबल वेरिएबल रिमेन्स इन द मेमोरी एज लॉन्ग एज द प्रोग्राम कंटिन्यूज। जब तक आपका प्रोग्राम कंटिन्यूज है रनिंग में तब तक कि वो जो वेरिएबल्स है वो लाइव रहते हैं। द थर्ड रीजन नोन एज स्टैक इज यूज टू ग्रेट many things while your program executes. Stack used for holding the return addresses. Return addresses जब return statement होंगे function call के अंदर arguments pass to the function, जो arguments pass करेंगे function को वो, और local variables for the function, किसी भी function के लिए जो local variables function के अंदर जो local variables create होते हैं उनके लिए कौन सी memory होती है, कौन सी memory जहाँ पर ये store होते हैं वो है stack. The local variables remain in a memory as long as the function continues. After that, they are erased from the memory. वो भी memory से erased हो जाते हैं क्योंकि उनका अस्तित्व तब तक ही होता है जब तक कि आप function body के अंदर हो। अभी फिलहाल ये आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा कि function body क्या है, local variables क्या है, लेकिन आप जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड जब हमारा कोडिंग स्टार्ट होगा ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। द स्टैक ऑल्सो स्टोर्स इन द करेंट स्टेट ऑफ द सीपीयू। जो स्टैक है उसमें आपका सीपीयू का करेंट स्टेट भी रहता है। उसके बाद वह हिप मेमोरी है, जहाँ पे हिप रीजन जिसको कहते हैं, तो वहाँ पे डायनेमिक मेमोरी फंक्शन भी कहते हैं। जो रन टाइम जो यूज़ की जाती मेमोरी है उसको हिप मेमोरी कहते हैं। द हिप मेमोरी एरिया इज अ रीजन ऑफ फ्री मेमोरी विच चंक्स ऑफ मेमोरी आर अलोकेटेड वाया प्रोसेसर डायनेमिक मेमोरी अलोकेशन फंक्शन। डायनेमिकली जो मेमोरी उसको रिक्वायर्ड होती है वो हिप मेमोरी होती है। उसके बाद में प्रोसेस स्टेट्स ऑफ द प्रोसेसेस, तो मतलब किसी प्रोसेस में कितनी स्टेट्स होती है और क्या 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 स्टेट्स में, इन स्टेट्स में क्या क्या होता है, क्यों इंपॉर्टेंट होती है ये। व्हेन अ प्रोग्राम इज रेडी टू बी एग्जीक्यूटेड इट इज लोडेड इन अ मेमोरी स्टेट एंड इट बिकम्स एन एक्टिव प्रोसेस। एन एक्टिव प्रोसेस पासेस थ्रू अ डिफरेंट स्टेट। जो भी कोई एक्टिव प्रोसेस होती है आपकी तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स होते हैं। जैसे रनिंग में है कोई स्टार्ट मतलब बिगिन हो गया, फिर रेडी, रेडी मतलब बिल्कुल रेडी है एग्जीक्यूट होने के लिए, रनिंग मतलब आपका एग्जीक्यूशन हो रहा है, वेट मतलब क्या है कि अगर किसी प्रोसेस के लिए अगर आईओ ऑपरेशन के लिए या किसी पर्टिकुलर चीज के लिए उसको वेट करना पड़ रहा है तो वो वेटिंग में जा रहा है, और रनिंग हो गया है तो फिर वो टर्मिनेट स्टेट में जा रहा है। तो इस तरीके से ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स होते हैं। स्टार्ट स्टेट में क्या होगा, दिस इज द इनिशियल स्टेट व्हेन अ प्रोसेस इज फर्स्ट स्टार्टेड एंड क्रिएटेड बाय द लोडिंग
इन द प्रोग्राम इन अ मेमोरी. आपका प्रोग्राम मेमोरी में लोड हो गया और इनिशियली स्टेट जो होती है वो लोड होने की, उसको स्टार्ट स्टेट कहते हैं. फिर रेडी स्टेट का मतलब क्या है कि अभी जो प्रोसेस है वो लोड हो गए मेमोरी में और पूरी तरीके से रेडी है एग्जीक्यूट होने के लिए. जैसे ही सीपीयू का अटेंशन उस प्रोसेस को या उस जॉब को मिल जाता है तो वो रनिंग में चली जाएगी. दैट इज मतलब कि दिस स्टेट ऑफ अ प्रोसेस इज ready for the execution. When a program is loaded in a memory, becomes a process and it ready to be executed, has to wait for the CPU. That is, the CPU might be executing other processes or jobs. To it has to be wait for its turn on CPU. This is the ready state of a process. Now that running state. Running state मतलब कोई भी process आपकी execution में है तो उसको हम रनिंग स्टेट कहते हैं. वंस द प्रोसेस गेट सीपीयू टाइम, जैसे ही सीपीयू का अटेंशन मिल जाता है किसी प्रोसेस को, द सीपीयू स्टार्ट्स एग्जीक्यूशन द इंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोसेस. नाउ द प्रोसेस स्टेट बिकम्स रनिंग स्टेट. तो जो भी प्रोसेस में इंस्ट्रक्शंस है वो वन बाय वन वो एग्जीक्यूट करता है. फिर वेटिंग स्टेट आई. वेटिंग स्टेट मतलब अगर आपके प्रोसेस को कोई आईओ ऑपरेशन के लिए रिक्वायरमेंट है, कोई इनपुट चाहिए है या आउटपुट डिवाइस की तरफ भेजना है, तो उसके लिए ही वेटिंग स्टेट होता है. इफ़ अ ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन द प्रोसेस हैज़ टू वेट फॉर सम रिसोर्सेज सच एज वेटिंग फॉर द यूजर इनपुट और वेटिंग फॉर द फाइल बिकम टू अवेलेबल, देन द सीपीयू टेक्स अप टू द नेक्स्ट प्रोसेस इन रेडी स्टेट. वेटिंग फॉर द सीपीयू एंड द करेंट प्रोसेस स्टेट बिकम्स द वेटिंग स्टेट. वंस इट गेट्स इट्स रिक्वायर्ड रिसोर्सेज इनपुट और अ फाइल एटसेट्रा, इट्स स्टेट विल अगेन बी चेंज टू रेडी स्टेट सो दैट CPU can pick it up again and continue with its execution. तो अगर कोई प्रोसेस आपकी रनिंग से वेटिंग में चली गई है, फिर इसका ये जो भी है IO ऑपरेशन या फाइल जिस चीज़ के लिए भी ये रुकी हुई है, ये इसका कंप्लीट होने के बाद में फिर ये रेडी स्टेट में जाती है. रेडी स्टेट का मतलब क्या है कि नाउ द प्रोसेस इज रेडी फॉर एग्जीक्यूशन और फिर जैसे इसको सीपीयू का टाइम मिलता है, सीपीयू इसकी तरफ अटेंशन देता है, तो ये रनिंग में दोबारा से चली जाती है. उसके बाद में है आपकी टर्मिनेटेड और एग्जिट. तो वंस द प्रोसेस ऑल द इंस्ट्रक्शंस आर सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड एंड इट हैज कंप्लीटेड इट्स एग्जीक्यूशन और इट इज टर्मिनेटेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम, इन आइदर केस इट्स स्टेट चेंज और टू बी टर्मिनेटेड, और प्रोसेस दैट हैज अ टर्मिनेटेड स्टेट इज रिमूव फ्रॉम द मेमोरी. तो इस तरीके से किसी भी प्रोसेस का एग्जीक्यूशन अगर कंप्लीट हो जाता है, इंस्ट्रक्शन उसके कंप्लीट हो जाते हैं एग्जीक्यूट होके, तो फिर वो टर्मिनेट कर दिए जाते हैं मेमोरी से, ऑटोमेटिकली वो रिमूव हो जाते हैं. उसके बाद में देखेंगे कि द ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस मैनेजमेंट मैनेजर मेंटेन्स अ डेटा स्ट्रक्चर कॉल्ड अ पीसीबी. अब ये पीसीबी मतलब क्या है? प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक है. तो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक मतलब क्या है कि कोई भी जो प्रोसेस आपकी रनिंग में है सीपीयू में, तो उस प्रोसेस को पर्टिकुलर आईडी दे दिया जाता है, उसकी प्रोसेस स्टेट क्या है वो एक मेंटेन की जाती है एक टेबल में कि अभी फिलहाल प्रोसेस आपकी रेडी में है या रनिंग में या वेटिंग में है. फिर उसके बाद में प्रोसेस प्रिविलेजेस क्या क्या है, मतलब उसको कहाँ तक के एक्सेस है, वो किस पर्टिकुलर डिवाइस के लिए, इनपुट आउटपुट के लिए है या किसी स्पेसिफिक मेमोरी के लिए है, तो वो सारे प्रिविलेजेस होते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विथ प्रोसेस आईडी. इट स्टोर द यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर गिवन टू द प्रोसेस बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम. एक यूनिक आईडी होता है किसी भी प्रोसेस को दिया हुआ, जिससे कि वो किसी प्रोसेस को आइडेंटिफाई कर सके, पहचान सके. उसके बाद में ये प्रोसेस स्टेट है. इट स्टोर द करेंट स्टेट ऑफ द प्रोसेस, मतलब करेंटली किसी भी प्रोसेस की स्टेट क्या है. कोई प्रोसेस आपकी रनिंग में है या फिर स्टार्ट में है या फिर वेटिंग में है, इस तरीके से. उसके बाद में प्रिविलेज. अभी आपको बताया था कि प्रिविलेज में क्या है कि एक पर्टिकुलर एक्सेस होता है. प्रिविलेज गिवन टू द प्रोसेस फॉर द वेरियस सिस्टम रिसोर्स. इफ़ अ प्रोसेस कैन यूज अ स्पेसिफिक मेमोरी और नॉट, विच आईओ डिवाइसेस कैन एक्सेस एटसेट्रा. नेक्स्ट इज पॉइंटर. पॉइंटर क्या होते हैं कि किसी भी प्रोसेस की सब प्रोसेसेस होती है, तो उन सब प्रोसेसेस के कौन से पेरेंट प्रोसेस है, इस तरीके से उसकी डिटेल्स इसमें होती है पॉइंटर. तो अ पॉइंटर कैन क्रिएट अ सब प्रोसेसेस. इन सच अ केसेस पॉइंटर स्टोर्स द डिटेल्स अबाउट द पेरेंट प्रोसेसेस ऑफ अ करेंट प्रोसेस और सब प्रोसेस.
उसके बाद में प्रोग्राम काउंटर है, प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर स्टोर्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड फॉर दिस प्रोसेस. जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होगा उसका वो क्या होगा वो प्रोग्राम काउंटर डिटेल रखता है. CPU register, it store the information about various CPU register which the process can use for the execution. And other scheduling or accounting information, it store other details related to the process such as its links to the memory allocated, its priority details, किसी भी process की priority क्या है, highest है या lowest है, how much CPU times this process has used for so far and so on, मतलब कितना time लगेगा किसी process में, और ये सारी information आपके accounting information में होगी.